श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना। हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024159599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग यादव धर्म काटा के पीछे उतैली सतना मध्य प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। दूसरे चरण में कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले प्रशासनिक अमले को आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है। इस मौके पर रीवा कलेक्टर समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीन के टीके की दूसरी डोज लगवाई है। कोरोना वैक्सीन टीके की एक डोज लगवाने के बाद 15 दिन बाद दूसरी डोज दी जाती है। रीवा के कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसी कड़ी में आज रीवा कलेक्टर रिलैया राजा टी रीवा आई उमेश जोगा रीवा एसपी राकेश सिंह नगर निगम कमिश्नर सहित प्रशासनिक अमले ने आज कोरोना वैक्सीन का दूसरे चरण का टीका लगवाया है। इस मौके पर रीवा कलेक्टर रिलैया राजा टी ने जनता से अपील की है कि 60 साल से ऊपर वालों को कोरोना वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं। रीवा कलेक्टर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वैक्सीन टीका लगवाने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सभी लोग जागरूक हों और आगे जाकर कोरोना का टीका लगवाएं। वहीं सभी स्वास्थ्य केंद्र और संजय गांधी अस्पताल में कोरोना टीका लगवाने की व्यवस्था की गई है। जैसे कि ना कोविड 19 का टीकाकरण का अभियान चल रही है, अभी आज हम लोग आईजी सर, एसपी सर और कमिश्नर नगर निगम सभी लोगों ने और कितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, मतलब इनकी है ना 30 डेज हो गया क्या, आज का सेकंड डोज की है ना कार्यक्रम चालू हो गया क्या, उसकी अवसर पर हम लोगों ने सेकंड डोज लगा दिया है। जैसे आईजी सर ने बताया है कि ये कोविड वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ है, कोई किसी का ना रिएक्शन नहीं है। मैं सारे नागरिकों की अपील करता हूं कि 60 साल के ऊपर कितने भी लोग हैं और यंगस्टर्स के भी मैं अपील करता हूं, अपना ना वरिष्ठ जन घर पे हैं 60 साल के ऊपर है, वो सभी लोगों का आकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, संजय गांधी हॉस्पिटल प्लस हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उन सभी में वैक्सीनेशन के लिए ना व्यवस्था बनी हुई है, उसमें आकर ना वैक्सीनेशन कराए जाए। सो अपना वरिष्ठ जन को एक सुरक्षित ना माहौल ना दिया जाए। उसके साथ साथ शासन ने ये व्यवस्था भी दी है कि 45 साल के ऊपर है, ब्लड प्रेशर, शुगर या किडनी लीवर की बीमारियां हैं, कैंसर की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां, उन सभी बीमारियों के लोग भी सिंपल उनकी कोई भी डॉक्टर के ना पेपर के ले आकर इस सेंटरों में वैक्सीनेशन करने के लिए व्यवस्था दी गई है। सभी नागरिकों से पुनः अपील करते हैं कि आप लोग आके वैक्सीनेशन के ना लगाए जाए। अभी भी लगातार हमारी डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस है ना बढ़ रही है, डेली 10 केस 14 केसेस के ना नंबर्स में आ रही है। सो सबसे पहले हमारी वरिष्ठ जन को सुरक्षित रखना हमारी ना दायित्व है, जिम्मेदारी है। मैं हर नागरिक से अपील करता हूँ अपना जिम्मेदारी निभाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।